अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? क्या वालेकुम सलाम मैडम, अलग खैरियत हाल है? चाल है आप लोगों के? खैरियत है मैडम, लेकिन बिजली का मसला है, मोबाइल में चार्ज कम है। हाँ हाँ जी, वो जो ब्रेक डाउन हुए हैं रात को। रोड पाकिस्तान ब्लैकआउट है। जी हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। मैं देख रही हूँ कि असल में सुबह को क्लास भी मेरी नहीं हो सकी उनके साथ, क्या नाम है, एमफिल के साथ, सही है इसी मैडम। वजह से कि वो ब्रेकडाउन जो हुआ है। देख रही हूँ मैंने कहाँ पे सेव किया हुआ है आज का लेक्चर, तो जस्ट बेयर विद मी फॉर अ मोमेंट प्लीज। मोस्ट लाइकली मैंने डेस्कटॉप पे किया होगा। There it is. ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? हो रही है मैम, जी अभी हो रही है। अभी हो रही है, ठीक है। असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कर दी आप सब लोगों ने? असाइनमेंट सबमिट है मैडम, सबने सबमिट कर दी है? मेरे ख्याल में सब नहीं किए, ग्रुप में सब डिस्कस करते हैं। अच्छा, दैट्स गुड। मैं क्लोज करके पार्टिसिपेंट्स देखती हूँ कितने लोग हैं यहाँ पे। अताउर रहमान है, ये टेक्नो कैमन कौन है जी? अली गौहर है। मैडम कैसे हो? मैडम ठीक हो? असनैन फिर आए। जी मैं बिल्कुल बेटा ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, दैट्स गुड। लाइट है आपके घर में? बिजली वस्ते गुरुदेव हाँ ना, निश्चय। अच्छा, बिजली गुरु नष्ट, ठीक पता ठीक सही। नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल देखा तो आया कि मैडम के साथ बात करता हूँ। ठीक, सो नाइस ऑफ हिम, दैट्स वेरी नाइस ऑफ हाँ हिम। हाँ अभी हमारे पास टाइम है 5 मिनट्स। अगर सब लोग हैं यहाँ पे, शफीक आप हैं? हेलो, अभी शफीक नहीं आए, देखते हैं और कौन लोग मैम, हैं यहाँ पे हमारे पास। मैं वातावरण बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अताउर रहमान कैसे हैं जी हेलो। आप? खैर खैरियत है मैम। ये पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरह होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये जानना चाहता हूँ। जी ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपने 3 करने होंगे ना, 10 मार्क्स वर्थ के। आई थिंक जो जी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं कर जी रहे जी
कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैडम इस ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर है? ऑनलाइन का प्रोसीजर क्या है, तरीकेकार? यही कि आपने अपने पोर्टल पे आ जाना है और वहां से आपने देखना है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, आपको 5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आई थिंक 2 बजे से 7 बजे तक आप अपने पेपर को अपलोड कर सकते हैं। और उसमें पेपर लिखाई इसमें किस तरह होगी जी? लिखाई किस तरह होगी इसमें, किस तरह हम लिखेंगे? तो ये तो सारे वो इंटरनेट पे काम होगा ना आपका, वो उसमें सही है। वो पेपर है ना, मेरे ख्याल में वीडियो लिंक पे हमने आना है जी। वीडियो लिंक पे हमने आना है, वीडियो लिंक पे यू डोंट आई डोंट नो, ये फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा कि ये जरूरी है कि वीडियो लिंक पर आप आए या ऑडियो। मेरे ख्याल में ऑडियो पे तो मुश्किल है, लेकिन वीडियो लिंक पे हम आएंगे, उसके बगैर तो नामुमकिन होगा। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल कहता है कि आप लोगों का ओपन बुक होगा एग्जाम, आई थिंक सो, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में तो उन्होंने यही बताया, आई रियली डोंट नो। और दूसरी बात ये है कि 2 बजे से 5-7 बजे तक आपने मतलब अपलोड करना तो पता है, टाइम वो उन्होंने दिया करके ना। मिड टर्म है, 30 मार्क्स हैं और आपके 2 तो फुल यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का सिर्फ रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर है, क्योंकि उसका सेकंड टॉपिक आज हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। सही है मैडम, ठीक हो गया, ठीक। बेरा, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जाम? अच्छा, कोई नहीं है। बहरहाल आज ये टॉपिक तो ऐसा है कि आप सब लोग इसके साथ फेमिलियराइज्ड हैं, मोस्ट ऑफ यू। आई शुड बी मोर कॉशियस व्हाइल मेकिंग सच कमेंट। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियराइज्ड विद दिस टॉपिक, दैट इज हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल। आपने पास्ट में किया भी जब आप लोग एमफिल कर रहे थे, और उसके दौरान में आपको आपने रिसर्च प्रपोजल्स भी बनाए, फिर उनको मुख्तलिफ उससे गुजरे भी, वो आपके रिसर्च प्रपोजल GSEs, फिर उसके बाद बोसार और फिर अप्रूवल, और उसके बाद आप लोगों ने काम शुरू किया। थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये एक रिकैप है या रिव्यू है, जबकि वो लोग आप में से अगर कोई हैं जिन्होंने जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है एमएस एमफिल लेवल पर रिसर्च कंडक्ट करने का, तो उनके लिए फिर ये एक नई चीज़ है जिसको कि अंडरस्टैंडिंग हाईली हाईली डिजायरेबल है। सो व्हाट इज अ रिसर्च प्रपोजल? अ रिसर्च प्रपोजल सेट्स आउट द ब्रॉड टॉपिक यू वुड लाइक टू रिसर्च, what the research would set out to achieve, that is aims and objectives, how would you go about researching it, that is the methodology, and how would you undertake it within the time available, your outline plan, and what the results might be in relation to knowledge and understanding in the subject, that is the potential outcome. तो ये एक बड़ा ही लूज डेफिनेशन है कि आपका रिसर्च प्रपोजल कंसिस्ट करता है एक ब्रॉड टॉपिक पर, जो कि उसको सब्सटेंस कहते हैं हम, फिर उसी रिसर्च प्रपोजल के कंपोनेंट्स हैं, दैट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च, और फिर आप कौन सा मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, दैट इज यू विल बी इंक्लूडिंग इन योर रिसर्च प्रपोजल, के टाइम फ्रेम क्या है आपका, और उसके रिजल्ट्स को किस तरीके से एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाएगा, दैट इज जस्ट द आउटलाइन और जस्ट अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी वांट टू हैव अ रिसर्च प्रपोजल? What is the purpose of a research proposal? Research proposal is
intended to convince others that you have a worthwhile research project, and then that you have the competence and the work plan to complete it. Yani research proposal kin cheezon ko convey kar raha hai to the audience? कि आप जिस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा वर्थ वाइल रिसर्च प्रोजेक्ट है, और उसको कंडक्ट करने के लिए जितने रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज हैं आप उनके साथ इक्विप्ड हैं, और आपका विजन भी है, आपका वर्क प्लान भी है कि आप हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट, यानी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को टिल द एंड आप किस तरीके से लेकर चलेंगे, वो तमाम ना सिर्फ कैपेबिलिटीज हैं आपके पास बल्कि आपकी अपनी विजन भी है जो कि आपके वर्क प्लान में आएगी कि आपने किस तरीके से अपने रिसर्च को कंडक्ट करना है वाइल रिमेनिंग विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट्स और टाइम फ्रेमवर्क, उसके अंदर रहते रहते आपने अपने रिसर्च को किस तरीके से कंडक्ट करना है, क्योंकि ये जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं ये बहुत आप समझते हैं कि बड़ा वर्थ वाइल टॉपिक है, इसकी कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च, और आपको इतनी नो हाउ है मेथोडोलॉजी की और अपनी कैपेबिलिटीज पे आपको इतना ट्रस्ट है कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. द अनदर पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज टू सेल योर आइडियाज टू द फंडिंग एजेंसी. ये एक्सक्यूज मी, ये तो उसके लिए अगर जैसे बाजुकात हम जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो ग्रांट्स लेने के लिए हम पूरा वो रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, फिर वो उन एजेंसीज को सबमिट करते हैं, वो जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है वो हमारा रैशनल होता है कि हम इस टॉपिक को क्यों अंडरटेक करना चाहते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ना सिर्फ उस एजेंसी को बल्कि अगर ब्रॉडली स्पीकिंग और कितने लोग होंगे जो कि बेनिफिशरीज होंगे अगर इस प्रोजेक्ट को अंडरटेकिंग की जाए इस प्रोजेक्ट की, ये तो एक उस हवालों से है. लेकिन आप लोगों के हवालों से क्या है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो एक आइडिया कन्वे कर रहा है टू द अथॉरिटीज दैट यू आर competent enough to carry out these research activities, you are competent enough to complete it within the time frame given by the authorities, and you will be able to successfully defend your thesis. Aapka ye purpose hoga. Theek hai? The problem is significant and worthy of study. Definitely, जो भी द प्रॉब्लम दैट यू अंडरटेक और यू प्लान टू कैरी आउट रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम, खुद भी आप कन्विंस्ड हो इन योर हार्ट्स ऑफ द हार्ट्स, और उसके साथ साथ आपने जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी आपने कन्विंस करना है कि आपका जो ये टॉपिक है ये वर्थ वाइल है, आप देख सकते हैं इसको और इसकी बड़ी ब्रॉड सिग्निफिकेंस है. तभी आप देखिए कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रपोजल के को कितनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनसे ये होकर गुजरता है. सबसे पहले तो ये है कि आपके GSCs हैं जिसमें कि आपने एक तरीके से अपना केस पुट फॉरवर्ड आप करते हैं पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशंस के जरिए कि दिस इज़ व्हाट यू इंटेंड टू डू, और आप फिर वहाँ पे बताते हैं कि व्हाई यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो उसके लिए दो चीज़ें मैं पहले भी रिव्यू लिटरेचर में आपको बता चुकी हूँ कि दो बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
एक तो ये कि ये रिसर्च आप करना क्यों चाह रहे हैं, तो या तो आप एक इस रीजन के साथ आएंगे कि यस आई वांट टू कंडक्ट दिस स्टडी बिकॉज द आइडिया क्रॉप्ड अप इन माय माइंड when I had personal experiences or I have I have observed the situation for extended period of time, so I thought ki ye topic jo hai isko explore hona chahiye, aur kyunki abhi tak kisi ne kaam nahi kiya. Ye dusri justification aap dete hain ki kyunki maine itna related literature ko study kiya hai aur mujhe pata chala hai ki ye wo gaps hain जिन पे जो अभी खाली हैं, ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो मैं चाहता आई वुड लाइक टू फिल द गैप. तो ये बहुत ही ज़रूरी है. और जब आप इस तरीके से अपनी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनको कन्विंस कर देते हैं थ्रू लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, तो फिर क्या होता है कि आप ये भी बताते हैं कि आपके जो टॉपिक है under study which you are going to take take into account, ye study jo hai ye badi novel si hogi, yani the different hogi. Abhi creativity isme aapko dikhai de rahi hai kyunki abhi tak is pe kaam as such hua nahi hai ya in areas mein hua nahi hai, aur ye bade fruitful research jo hai yield karegi jo ki contribution hoga in the field of education research. The investigator and his or her research team is or are the right group of individuals to carry out and accomplish the work described in the research proposal. So obviously एक तो आप हैं रिसर्चर और आपकी टीम में आपके को सुपरवाइजर हैं और आपके को सुपरवाइजर हैं, और ये एक फील जाती है कि ना सिर्फ सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर एलिजिबल हैं इस स्टडी को आपको हेल्प आउट करने में, बल्कि वो कॉम्पिटेंट इनफ भी हैं. क्योंकि जब आप सुपरवाइजर की सिलेक्शन करते हैं अपने लिए, तो नोइंगली और अननोइंगली आप ये देखते हैं कि आपका आप कंफर्ट जोन में हैं उस पर्सन के साथ के नहीं. क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने सुपरवाइजर के साथ आपका कंफर्ट जोन में होना, और कंफर्ट जोन में होने का जो क्राइटेरिया है उसमें एक तो बात ये है कि आपका ट्रस्ट हो अपने सुपरवाइजर की कॉम्पिटेंस पर, और आप उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल फील करो. आपको ये पता हो कि आप और वो मैनी टाइम्स सेम वेवलेंथ पे काम कर रहे होंगे. तो बात ये कि तब जाके आप जब रिसर्च प्रपोजल अपना बनाते हैं तो इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल भी करना है. अब मिसाल के तौर पे till date I am not eligible to supervise PhD research at till date. उसकी वजह आपको पता भी है कि क्योंकि मेरा X category journal में मेरी कोई publication नहीं है, irrespective of the fact कि मैंने I joined Kurtuba University in 2014 December, और मैंने teaching उससे पहले मैंने ऑलमोस्ट एक साल काम किया एज एन असिस्टेंट एडिटर ऑफ द रिसर्च जर्नल्स JMS का, और डायलॉग की मैं असिस्टेंट एडिटर रही. फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप टीचिंग में आए, तो फिर मैं एज अ टीचिंग फैकल्टी, मैंने यूं कह लीजिए कि मैंने काम जो टीचिंग फैकल्टी के तौर पे किया है वो मोस्ट लाइकली आई थिंक इट वाज ईदर स्प्रिंग सेमेस्टर 2016 या तब मैंने शुरू किया. और अभी इन्होंने पब्लिकेशंस की लिस्ट मांगी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10 पब्लिकेशंस हैं इन सालों में. यानी इतने लोग जिन्होंने PhDs की हैं उनकी पब्लिकेशंस में आई एम ऑब्वियसली द सेकंड ऑथर. तो ये एक बड़ा
अल्लाह की मेहरबानी और ये क्रेडिट जाता है, लेकिन इसके बावजूद आई एम नॉट एलिजिबल टू सुपरवाइज पीएचडी स्कॉलर्स जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव अ पब्लिकेशन इन एक्स कैटेगरी जर्नल विच इज द मैंडेटरी फॉर एनी फैकल्टी हु वुड लाइक टू यू नो बी द सुपरवाइजर अकॉर्डिंग टू द करंट एचईसी रूल्स. हो सकता है कि डाउन द रोड ये रूल्स चेंज हो जाएं, क्योंकि अभी इस वक्त पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर अबाउट नर्स और लम्स, लेकिन बाकियों में तो सब वाई कैटेगरी में है, कोई एक्स कैटेगरी में नहीं है रिसर्च जर्नल. तो कहने का मतलब ये है कि जो पर्पस है रिसर्च प्रपोजल का, अगर आप एक निगाह इस पर डालें स्लाइड के ऊपर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रिसर्च प्रपोजल इतना कम्प्रीहेंसिव येट ब्रीफ होना चाहिए कि जो मैसेज कन्वे कर दे टॉपिक की वर्थ को, जो मैसेज कन्वे कर दे आपकी कॉम्पिटेंस एज अ रिसर्चर, जो ये मैसेज कन्वे कर दे टू द अथॉरिटीज कि आपका टॉपिक इतना वर्थ वाइल है कि वो सिग्निफिकेंट इतना है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा इस एजुकेशन रिसर्च में, और उसके साथ साथ आप ये भी कम्युनिकेट कर सकें थ्रू योर रिसर्च प्रपोजल कि आपकी जो टीम है जिसमें आप प्रिंसिपल रिसर्चर हैं और आपके साथ आपके सुपरवाइजर और मे बी एस को सुपरवाइजर, ये टीम ऐसी है जो कि इस प्रोजेक्ट को टिल द एंड लेकर जाने की अहल है. तो एक रिसर्च प्रपोजल का पर्पस सारा ये है. Is it clear? Yes or no? Madam, ये research proposal कितने pages होना चाहिए? ये तो देखिए बेटा, ये depend कर रहा है कि आपके nature of topic क्या है. ज़्यादातर तो मैं जो पर्सनली हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आपके background of the study जो कि first chapter introduction का है, उसको दो A4 साइज पेपर्स का होना चाहिए. यानी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक सॉर्ट ऑफ नॉट जस्टिफिकेशन, लेकिन एक रीडर को आप एक आइडिया दे रहे हैं कि ये जो टॉपिक है इस पे पहले भी और जगहों पे दुनिया में काम हुआ हुआ है, या इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे ग्लोब पे काम हुआ हुआ है, एंड यू वुड लाइक टू डू इट. लेकिन उसको एक बड़े सीक्वेंस में जाना है. दो पेजेस या 2.5 पेजेस का आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी हो जाए, और हाफ पेज ऑफ A4 साइज आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें कि आपने 2-3 रेफरेंसेस फ्रॉम द रिलेटेड लिटरेचर, फिर उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं, या हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So I would suggest that your research proposal should not exceed 20 pages. 20 bhi agar kam ho, lekin maine aapse yahi baat kahi hai na ki pages don't matter. The thing that matter is aapke jo substance hai, jo problem kya hai, aur usko kitna कितनी क्लैरिटी के साथ आपने कम्युनिकेट किया है टू द रीडर थ्रू योर रिसर्च प्रपोजल. अगर आप ब्रीफ भी रहे हैं लेकिन वो बहुत क्लियर है, यानी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है जब एक रीडर आपका प्रपोजल पढ़ता है, तो उसको पता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं और आप राइट ट्रैक पर हैं कि नहीं हैं, तो वो इसमें. लेकिन अगर आप समझें तो 15-20 पेजेस तक आई वुड से इतना होना चाहिए. मतलब एक ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर होना चाहिए. हाँ जी, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बहुत, उनमें ही तो क्लैरिटी होगी. और फिर अगर आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं या आपके रिसर्च हाइपोथेसिस हैं, उनमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो जो कि कंफ्यूजन को प्रमोट करे.
among the competent authorities कि आप ये क्या कर रहे हैं या आप खुद ही अपने हेड में क्लियर नहीं है तो आप हमें क्या बता रहे हैं. तो यही वजह होती है कि जब आप रिसर्च प्रपोजल पे अच्छी मेहनत कर लेते हैं ना तो उससे आपकी अपनी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि आप करने क्या चाह रहे हैं. बिल्कुल फिर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. यानी एक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपको वो मिल जाते हैं ना, गाइडलाइंस मिल जाती हैं. अगर आपका रिसर्च, पहली बात तो ये अगर रिसर्च प्रपोजल में एम्बिग्यूटीज हैं, आप खुद क्लियर नहीं है तो आप क्लियरली प्रेजेंट नहीं कर पाओगे. जब आप क्लियरली प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लग जाएंगी. चलो उनको क्लियर किया, बोसार में गए तो बोसार में तो दूसरे लोग भी आते हैं तो वहाँ पे तो बड़ी हॉट डिबेट्स होती हैं. तो फिर सुपर यहाँ पे तो चलो आप होंगे आपके सुपरवाइजर, वहाँ पे तो बस सुपरवाइजर को जंग लड़नी पड़ती है कि नहीं ठीक ये अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, फलाना ये वो और ये इस तरह से. तो समटाइम ये भी होता है रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट भी होते हैं. पास्ट में हुआ है ऐसा, अब पता नहीं है मुझे. सही है मैडम. ठीक है बिल्कुल. अब आप देखिए कि क्या, हाँ इससे पहले मैं किस पे जा रही थी, पर्पस पे हमने कर लिया. हाँ एलिमेंट्स of research proposal, obviously title. अच्छा ये अगर आप देखें हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो फॉर्मेट है रिसर्च प्रपोजल का, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. अभी इन्होंने शामिल कर लिया हो तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन अभी तक नहीं है और इसलिए रिक्वायर्ड भी नहीं है आप लोगों के लिए. देखिए आपका टाइटल पेज होता है, फिर वो जो बाकी फॉर्मेलिटीज वाले पेजेस होते हैं, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, फिर ये ब्रॉड सेक्शंस जो है, ए इंट्रोडक्शन, बी रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, सी द मेथडोलॉजी, डी एथिकल और लीगल कंसिडरेशंस, ई टाइम स्केड्यूल और फिर रेफरेंसेस. हमारे जो वो है फॉर्मेट है कुर्तुबा यूनिवर्सिटी का, उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है और सेक्शन डी भी नहीं है एज सच. हाउएवर अगर आप में से वो स्कॉलर्स जो कि या तो मिक्स रिसर्च इंटेंड कर रहे हैं करने के लिए या क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फिर सेक्शन डी जरूरी हो जाएगा. अब आप मुझसे पूछें क्यों, या डू यू नो द आंसर? क्यों मैम? जी ये आपके ख्याल में ये मिक्स रिसर्च में जहाँ पे के कुछ क्वालिटेटिव कंपोनेंट्स भी हैं आपकी रिसर्च के, तो उसके लिए क्यों हम, कि मैं ये आपसे कह रही हूँ कि अगर मिक्स रिसर्च कर रहे हैं या कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सेक्शन डी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल में. तो मेरा क्वेश्चन है व्हाई? मेविश आप हैं यहाँ पे? मेविश मैम. जी 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 जी. आप क्या समझते हैं कि ये क्यों ऐसा है? क्वांटिटेटिव में उतनी हम सेंसिटिव नहीं होते जितना क्वालिटेटिव कंटेंट में होते हैं सेंसिटिव. व्हाई मैम? एज आई एम न्यू टू दिस टॉपिक ना, एज आई हैवंट डन माय रिसर्च इन एमफिल, सो आई एम न्यू, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी आईडिया. आई एम लिसनिंग टू यू. अच्छा इब्ने अमीन आप क्या कहेंगे? मैम क्वालिटेटिव रिसर्च में जो ज्यादातर होते हैं वो थ्योरीज होती हैं, जो क्वांटिटेटिव में होते हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबरिंग फार्मूलाज होते हैं जो हमें एक्यूरेट चीज प्रोवाइड करते हैं, और जो क्वालिटेटिव होते हैं उसमें हम जाहिर बातें थ्योरीज से डिफरेंट व्यूज होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं,
इस वजह से मैं भी शायद ये कर लेते हैं कि क्वांटिटी में नहीं होते ज्यादा, वो फोकस नहीं करते बस इसकी मुझे आपकी आवाज कितनी सही समझ भी नहीं आई आपस की बात है। एक मिनट अब इसका जी अभी अब बोलिए इब्न अमीन। जी मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है हाँ जी। आप क्या कह रहे मैम? मैं बात कर रहा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में कि उसमें क्यों है उसमें क्यों नहीं है। क्वांटिटेटिव हमें एक्यूरेट रिजल्ट देती है उसमें स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व है, और जो मेन रीजन है क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व और जो क्वालिटेटिव में है तो उसमें मैम ज्यादातर इंटरव्यूज और जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो शायद इस वजह से कि उसमें नंबरिंग है फार्मूलाज है तो वो हमें एक्यूरेट चीज प्रोवाइड करती है, इसलिए हम उसका ज्यादा ध्यान नहीं देते एज कम्पेयर टू जो क्वालिटेटिव को हम ज्यादा फोकस कर देते हैं। मेरे ख्याल में तो यही हो सकता है और यही बात है एक्चुअली। वेल डन, यही बात है कि चूंकि क्वालिटेटिव कंटेंट को हम इंटरप्रेट करेंगे वर्ड्स और इमेजेस के साथ तो वहाँ पे हमें बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि डेटा कलेक्शन में भी हमें बहुत ये ख्याल रखना है कि हम प्राइवेसी को कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करना है और किसी की प्राइवेसी को इनक्रोच नहीं करना। जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं तो आपने बहुत स्पेसिफिक रहना होता है कि उन बाउंड्रीज को आप क्रॉस ना कर लें जिनके लिए आपको जरूरत नहीं थी रिक्वायर्ड नहीं था। क्वांटिटेटिव में ये है कि चूंकि सारे न्यूमेरिक डेटा होता है तो उसमें कोई ऐसा इश्यू ना ही उसकी कलेक्शन में डेटा कलेक्शन की, उसमें कॉन्सेंट ही लेना होता है ना आपने पार्टिसिपेंट का और वो भी रिटन फॉर्म में होता है। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि आपकी ऑब्जर्वेशन है या आपके इंटरव्यूज हैं तो उसमें फिर ये बात है कि चूंकि आपके अपने बायसेस भी होते हैं उन बायसेस को हमने अंडर कंट्रोल रखना होता है और नॉन जजमेंटल होके मुशाहिदा भी करना है और नॉन जजमेंटल रहते हुए इंटरव्यूज भी कंडक्ट करने हैं, और जब उनकी एनालिसिस करनी है तब भी नॉन जजमेंटल होकर उनकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करनी है। इसलिए एथिकली आपको बहुत ही सेंसिटिव होना होगा, बहुत कॉशियस होना होगा व्हेन यू आर डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम, रियाज बात कर रहा हूँ। मैडम एक आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा जो एमफिल में एक टॉपिक था मेरा रिसर्च का, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स टर्नओवर इंटेंशंस, ए स्टडी ऑफ केट कॉलेजेस इन खैबर पख्तूनख्वा। ये क्वालिटेटिव में आता है या क्वांटिटेटिव में? रियाज बेटा कैन यू रिपीट इट प्लीज। मैडम द टॉपिक ऑफ माय रिसर्च इन एमफिल वाज factors affecting teachers turnover intentions, a study of cadet colleges in Khyber Pakhtunkhwa। ye puchna tha ki ye qualitative mein aata hai ya quantitative mein, ye turnover ka kya matlab hai, aapne kya liya yahan pe turnover? madam ye tha ki ye teachers kyun cadet colleges ko chhodte hain jab unke paas ye sari facilities hain, ghar flana flana, is cheez pe maine ki thi। और मैंने खुद भी एक कैट कॉलेज गैरिजन कैट कॉलेज को हार्ट में 8 साल पढ़ाया था, 8 साल पढ़ाने के बाद छोड़ा था। तो ये एक टॉपिक था जिसपे मेरे सुपरवाइजर्स ने वो किया था कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसमें मतलब टीचर्स टर्न और क्यों करते हैं, चेंज और क्यों करते हैं जॉब को, क्यों कैट कॉलेज को छोड़ते हैं, ये मेन था। हाँ वैसे ये बात थी कि ये दोनों तरीके से कर सकते थे आप, मुझे नहीं पता कि आपने क्वांटिटेटिव किया है या क्वालिटेटिव किया है। लेकिन अगर आप इन डेप्थ करना चाहते, और ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक था
इस सेंस में कि ये जब अगर आप इन डेप्थ करते ना, यानी क्वालिटेटिव स्टडी ये कर लेते हैं आप, तो उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सेंस में होता है कि जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस आ जाती है कि व्हाई टीचर्स टेंड टू लीव देयर जॉब्स इन कैडेट कॉलेज डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज हैं, सारा कुछ है, तो वो बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन ये भी अच्छा है कि अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च किया है, लेकिन बेहतर इसके लिए मेरे ख्याल में ऑप्शन थी क्वालिटेटिव की। मैडम इसमें मैंने मेरा जो क्वेश्चनियर था उसमें 52 आइटम्स थे और मैंने पर्सनली 15 क्रेडिट कॉलेजेस हैं केपी में, तो उसमें ऑलमोस्ट 13 में मैं खुद गया हूं और मैंने क्वेश्चनियर सर्व किए हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी मैंने से फेस किए हैं। अच्छा। मतलब हमें परमिशन नहीं मिलती थी, जो आर्मी ज़्यादातर उसमें आर्मी रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स होते थे, 2-3 क्रेडिट कॉलेजेस में तो इन सर्विंग ब्रिगेडियर थे, वो कह रहे थे कि आप GHQ से परमिशन लें, अब आप हमारे इंटरनल मामलात में वो कर रहे हैं। तो बहरहाल किसी ना किसी तरीके से सोर्सेज से, चूँकि मैंने सर्व किया था क्रेडिट कॉलेज में, तो मेरे अपने भी लिंक्स थे, मैंने क्वेश्चनियर्स उनसे फिलअप करवा लिए थे और उसमें यही चीज़ मेन करनी थी कि क्यों इतनी सारी फैसिलिटीज के होते हुए 8 साल 7 साल 10 साल बाद भी गवर्नमेंट सेक्टर में एक बंदा चला जाता है एज ए टीचर। मतलब ऐसी भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस थे मैडम कि 18 ग्रेड को छोड़ के SST एक लग गया टीचर और उसने वहाँ प्रेफर किया गवर्नमेंट में। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आए थे जो हमने एनालाइज किया डेटा, लेकिन मेन चीज थी जॉब अनसर्टेनिटी कि वहां पे आपको किसी भी वक्त मेन ये बहुत ज्यादा आ रहा था कि अनसर्टेनिटी थी। तो मेरा मतलब ये आप पाबंदी दिए जी, नहीं पाबंदी के साथ इस तरह था कि वो 24 और जॉब थी, लेकिन उस पाबंदी के साथ आपको वो सारे फैसिलिटीज दे रहे थे, आपके बच्चों को गाड़ी, आपको पिक एंड ड्रॉप, आपको CMS की फैसिलिटी, आपके लिए कोई मसला नहीं था। जिस तरह एक आर्मी ऑफिसर जिंदगी गुजारता है वही सारा कुछ होता है, लेकिन उसके साथ अगर सिर्फ ये जॉब श्योरिटी जिसको हम अनसर्टेनिटी या ये कहते हैं कि गवर्नमेंट में जब हम इन हो जाते हैं तो हम बस पख्तू के होते वही चीदा कातियम जकादा, फिर उसके बाद वो आप लंगड़े हो, लूले हो, कुछ भी हो, आप चलते हैं 60 साल तक। लेकिन उसमें ये है कि बस वो वहां पे कहा जाता है कि वो जब तक गाय दूध देती है तो मालिक उसको वो भी खाल सब कुछ देता है, जिस दिन वो दूध देना बंद कर दे तो उसको कसाब के आगे कसाई के आगे बेच देते हैं। तो वो वाली हालत। तो मतलब ये कि इंसान की सेहत तो सारी उम्र आपको इजाजत नहीं देती कि आप उसी तरह रहें, सीधे रहें, एफेक्ट्स ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर में मैडम इस तरह होता है कि अब आप जैसे ही ऊपर जाते हैं 18-19 में जाते हैं तो आपके ऊपर वर्कलोड कम हो जाता है, जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। वहां पे इन क्रेडिट कॉलेजेस में जितने आप सीनियर होते जाते हैं आपका वर्कलोड भी उतना ही रहता है, ज्यादा होता जाता है, कम नहीं होता। तो मेरा मतलब ये था कि ये चीज मैंने खुद फेस की थी, तो उसी को मैंने एज ए टॉपिक लिया और ठीक ठाक लिया। और वो फिर मैंने 2 क्रेडिट कॉलेजेस थे, आई थिंक रजमा क्रेडिट कॉलेज का प्रिंसिपल और ये क्रेडिट कॉलेज कुहाड़ का, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने वो रिसर्च थीसिस जो थे वो मुझसे लिए कि इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है सर, इतने मैडम ये इतना लंबा क्वेश्चन का कि वो टॉपिक जैसे ही मैं MPhil में एंटर हो गया था तो मैंने उस पे काम शुरू कर दिया था। मेरा सुपरवाइजर बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहा था क्योंकि एक प्रैक्टिकल टॉपिक था। तो क्या इस तरह पॉसिबल है कि ये रिसर्च तो हम इधर पढ़ रहे हैं PhD में, उधर भी पढ़ी है और मैंने मेरा अपना सब्जेक्ट भी MSc मैथमेटिक्स है, मास्टर मैंने उधर किया हुआ है। तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मैडम मैंने कुछ 99 में फारिग हुआ, तो उसके बाद ये 8-9 साल कैड कॉलेज में पढ़ाया, फिर एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आया गवर्नमेंट में 2010 में। तो क्या इसको मैं अभी से हम मैं या ये जितने भी हम स्टूडेंट बैठे हुए हैं हम अभी से इस टॉपिक पे काम कर सकते हैं? यू मीन इसी टॉपिक पर या नहीं रिसर्च, मेरा मतलब है रिसर्च के टॉपिक पे अभी से काम शुरू कर सकते हैं, यानी जरूरी है कि कोर्स